कलयुग का एक ऐसा प्रहर चल रहा है जब पाप अपने चरोत्कर्ष पर है और पुण्य रसातल में जा रहा है, यानी कि सत्य रसातल में जा रहा है और असत्य चहुमुखी उन्नति की ओर अग्रसर है। माया का प्रकोप इतना अधिक है कि किसी मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ तादात्म्य नहीं हो रहा है। असत्य इतना ऊंचा उठ रहा है और सत्य का पराभव हो रहा है, यानी एक तरफ पतन और एक तरफ उत्थान। तो मानव जाति का भी हाल देखें तो पशु पक्षी पेड़ पौधे और जीव जंतु उनमें कहीं भी कोई बल प्रदान नहीं है। उनमें सहचर्य संगति सुसंगति समन्वय एकता प्रेम बंधुत्व ये सारे गुण हमें बहुतायत में दिखाई देते हैं, लेकिन मानव जाति की तरफ हम देखते हैं तो उसमें इतना असंतोष इतना विद्रोह और इतनी अमानवीयता घुल गई है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को फूटी आंखों नहीं देखता। एक 100 रुपए का नोट आप डालिए, एक व्यक्ति उसमें से शराब की बोतल उठा के गिलेगा और 4 व्यक्तियों की हत्या कर देगा। ऐसी स्थिति हम समाज में होती देख रहे हैं। धर्म की हम बात करें और ईश्वर की बात करें तो हमें एक तरफ तो मूर्ति पूजा का सिद्धांत दिखाई देता है जो ईश्वर की साकार भक्ति का निरूपक है, और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल विपरीत एक सिद्धांत और है कि मूर्तियां तोड़ देंगे, उनके जो पूजक हैं उनका गला काट देंगे और सारे मंदिर भी फैसले कर देंगे और हम अल्लाह को मानते हैं। अब साहब अल्लाह को मानते हैं तो उसका कोई स्वरूप तो होगा, उसकी शक्ति का कोई तो प्रारूप होगा, कुछ तो उसका निदर्शन होगा जिससे कि हम सिद्ध कर सकें ईश्वरीय शक्ति है कहाँ, या उन मूर्तियों में से शक्ति आ रही है तो उस शक्ति का स्वरूप क्या है और क्या वह हमारे कर्म बंधन के सारे दुगड़े खत्म कर सकती है। वह दैविक शक्ति कहाँ है जिसकी कृपा से एक मूर्छित व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ होकर के चलने लगे। वैसे ही जैसा सूरदास कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है, रंग चले सिर छत्र धराई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बंधो चरण कमल हरिराई। यानी कि जिसकी कृपा से पंगु जो है वो गिरिवर को लांग सकते हैं, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे को सुनाई देने लगता है, ऐसी कृपा उस दैविक शक्ति की गाई गई है। तो वह दैविक शक्ति उसका मूल स्रोत कहाँ है जिसकी प्राप्ति होने के बाद विष खत्म हो जाता है और अमृत की वर्षा होने लगती है। एक शब्द विष, एक शब्द विषम और एक शब्द विष्णु। तो विष्णु क्या करता है, विष्णु अवतरित होता है, यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मश्च तदात्मानम सृजाम्यहम्। और किस लिए अवतार लेता हूं मैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं इसलिए अवतार लेता हूं, परित्राणाय साधूनां मीन्स जो साधु लोग हैं, जो नेक लोग हैं, सज्जन हैं, जो ईश्वर की साधना करते हैं उनका परित्राण उनका कल्याण उनकी रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्टतां मतलब दुष्ट जनों के संहार उनके विनाश के लिए मैं अवतार लेता हूँ और मानव धर्म को स्थापित करता हूँ और ऐसा मैं हर युग में संभव करके दिखाता हूँ। ऐसा उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों की विजय हुई कौरवों की पराजय हुई तब उन्होंने संदेश अर्जुन को दिया। तो अब कलयुग की स्थिति में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई कैसे बचाओ क्या पढ़ाओ ये तो बताओ। दूसरी तरफ इतने सारे चमाचम शराब के अड्डे खोल के लिकर वेयर हाउस वेयर हाउस का अभिप्राय जानते हैं, भंडागार मतलब भंडार गृह, शराब के भंडार गृह। ऐसे चमाचम रोशनी से आलिशान जगमग करते हुए शराब के अड्डे खोल दिए, उसके सामने से कन्याएं जा रही, किसी कन्या को उठा लो दारू के 4 बंडल लेके चल रहे हैं रोड पर, कन्या कहां गई, उसके लीवर उसके किडनी उसको मार मूट करके उससे शोषण करो, उसके आंखें निकालो उसके लीवर किडनी निकाल के हॉस्पिटल को भेजो, 1 कन्या 1 करोड़ रुपए की बिकी। ये वर्तमान सत्य है कि नहीं बोलिए तो, कन्याएं सुरक्षित हैं, कन्याएं सुरक्षित हैं अथवा नहीं। अब कन्याओं की रक्षा के लिए क्या करें साहब, अगर कलयुग अगर हम द्वापर युग की देखें तो वो अजर अमर अविनाशी कृष्ण कहां चले गए जिन्होंने
द्रौपदी के चिरहरण के उनकी लाज बचाई थी। जब चिरहरण हुआ उस समय हस्तिनापुर में सारी ये सभा हो रही थी पांडवों की, और वो कहां बैठे थे साहब, द्वारिका में, भगवान कृष्ण द्वारिका में थे। तो जब साड़ी का पल्लू मात्र उनके बदन पे रह गया था, तब उन्होंने लास्ट में क्या बोला, पूरा कृष्ण बोलती तो वो साड़ी का पल्लू भी मुख से निकल जाता और वो निर्वस्त्र हो जाती। तब उन्होंने क्या क्या हुआ था उसके बाद, द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय से धारी, चीर बठायो कृष्ण मुरारी। दुशासन की भुजाएं थक गई, चीर समाप्त नहीं हुआ, ऐसा द्वापर में हुआ। तो वो जो अजर अमर अविनाशी भगवान कृष्ण हैं, आज कहां चले गए, निर्भय हत्याकांड हो गया, आरुष हत्याकांड हो गया, श्रद्धा मर्डर हो गया, हर दिन तो एक कन्या मारी जा रही है, आज इस मोहल्ले में कलुष गली में परतोष है। हमने आज तक कितने दुष्टों को फांसी पर चढ़ाया, कितने लोगों को हमने मृत्युदंड दिया, एक भी कोई उदाहरण आता है क्या सामने, बताइए तो कितनी कन्याएं और मारी जाएंगी, कितनी शराब पिलाओगे, कितने सारे अड्डे खोलोगे शराब के, उससे धन अर्जित होकर तुम धनी बन जाओगे। कोई सरकार शराब की जो आपका नीति है, अभी देखिए कितने सारे बंदे पकड़े जा रहे हैं, ये दिल्ली के आवाज, एक के बोतल एक फ्री, एक खरीदो तो दूसरी फ्री शराब, जिससे मनुष्य की मूर्छा मतलब मनुष्य की चेतना खराब हो जाती है, उस शराब का विक्रय हो रहा है और उसके इतने सुंदर भंडार गृह बने हुए। अब ये जो फोटो आई है ध्यान से देख लीजिए, ये आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी हैं। कलयुग के इस प्रहर में एक दैविक शक्ति हमारे देश में अवतरित हो गई, हमने देखा श्री माता जी को, माँ ने हमारी जान बचाई, तब हम कन्याओं की रक्षा के लिए हर विद्यालय में घूमते रहते हैं, वो जाना आपके विद्यालय में भी आते ही रहते हैं, आपने हमें पहली बार देखा, इससे पहले भी मिले हम, इतने कितने लोग हैं जिनसे पहली बार मिल रहे हैं, माय गॉड, क्या ये कक्षा यहीं बैठती, ऊपर नीचे नहीं बैठती। अच्छा ऐसा करते हैं, ये फोटो आपके लिए सब कुछ कर देगी, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते, ये आदिशक्ति है, आदिशक्ति इस संसार में कितनी बार अवतरित हुई मालूम, सबसे पहले स्वर्ग में वो कामधेनु बनकर सुरभि के रूप में है, जब एक गाय का रूप लिया, ओके, फिर उसके बाद वो दुर्गा बनकर आई, फिर उसके बाद राम के साथ सीता बनकर आई, कृष्ण के साथ राधा बनकर आई, मोहम्मद साहब के साथ फातिमा बनकर आई, मेरी बेटी के रूप में, गुरु नानक के साथ नानकी बनकर आई, गिरी की राजधानी एथेंस में अथेना देवी बनकर आई, और मोहम्मद ईसा मसीह के साथ उनकी मां मरियम। तो ये आदिशक्ति और कंप्लीट आदिशक्ति, संपूर्ण आदिशक्ति निर्मला देवी की, निर्मला देवी का मतलब नहीं माने नहीं, यानी शून्य, पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है, जो आपके छह अवगुण हैं, जो छह दोष हैं उन्हें समाप्त करेंगे। छह दोष कौन से था, काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या अथवा राग द्वेष, हमारी इंद्रियों पर जो आरूढ़ हो जाते हैं 12 वर्ष के बाद, उन दोषों को पहली शक्ति खत्म। तो पहली शक्ति इसमें विनाश की शक्ति है, उसका नाम है महाकाल, जो काल बन करके सारे दोषों को खा जाती है, सारी बुराइयों को खत्म कर देती है। दूसरा अक्षर इसमें सब म से भरा महालक्ष्मी, जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है और समृद्धि देती है, जिसका पूजन हम परसों करने वाले हैं, महालक्ष्मी। और तीसरा अक्षर इसमें है ल से भरा ललिता, ललिता वाणी सरस्वती, जो विद्या देती है, ज्ञान देती है, कला देती है, सृजन चेतना देती है, रचनाशीलता देती है और नए विचारों का सूत्रपात करती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, देवी का मतलब दिव्य, दिव्य का मतलब पृथ्वी जल आकाश से पराशक्ति, वो पराशक्ति एक स्त्री के रूप में समस्त शक्तियों के साथ, समस्त देवी चक्र मतलब भवानी, दयानी, शिवानी, हिमानी, चंडिका, चामुंडा, वो इसी भी दैविक शक्ति ले लो, वो 1000 दिव्य शक्तियां इस फोटो में समाहित हो। अब ये कार्ड आपको मिलेगा, इसे खो मत देना, फेंक मत देना, पढ़ मत देना, इसमें देवता बैठे सारे एक एक करके प्रकट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे देवता प्रकट होते जाएंगे और आपकी सारी विनती, आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी और आप धीरे धीरे मानव योनि से देव योनि में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपका रूपांतरण हो जाएगा, आपके जीवन का कायांतरण और रूपांतरण हो जाएगा, आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, उसके बाद आप पक्षी की भांति आकाश में उड़ भी सकते हैं और स्वर्ग से नीचे उतर भी सकते हैं, स्वर्गारोहण का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये देखिए 7 कमल के फूल हमारे भीतर हैं, पहला मूलाधार चक्र, 4 पंखुड़ियों का पहला कमल पृथ्वी,
दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र पे अग्नि, मणिपुर चक्र पर जल तत्व, अन्य चक्र पर वायु, विशुद्ध चक्र पर आकाश, आज्ञा चक्र पे अंतरिक्ष और सहस्रार चक्र पर देवलोक। ये सात कमल के फूल मध्य नाड़ी पर है, लेफ्ट साइड कीड़ा नाड़ी, राइट साइड की पिंगला नाड़ी, बीच में सुषुम्ना। लेफ्ट इज महाकाली, राइट इज महासरस्वती, मध्य में महालक्ष्मी। दोनों आप खोलिए, लेफ्ट इज चंद्र पक्ष, राइट इज सूर्य पक्ष। ओके, ये हो गया। बारों को देखें, ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, सा रे ग म प ध नी, संगीत की दृष्टि से। ओके, तो सारे ग्रह भी इन्हीं पर हैं और सारे चक्र भी इन्हीं पर हैं, सारे भाग इन्हीं पर हैं। ये सातों कमल के फूल ऐसे ऐसे करके खुल जाएंगे और ये आपका दसवां दफर खुल जाएगा, आत्मा देवलोक से कनेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद आप जो चाहेंगे ये दैव शक्ति आपकी मनोरथ सिद्ध करेगी और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। जिन विषयों में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, आप भूल जाते हैं, भ्रांति में रहते हैं, चिंताओं में विलीन रहते हैं, वो सारी चिंताएं ये दैव शक्ति खत्म करेगी और आपको अमृत की धारा मिलेगी, जिससे कि बॉडी के अंदर जितना विषय वो सारा खत्म और आपका जीवन धन्य हो जाए। ठीक है साहब, ये वार्ता हुई, समय कम था तो मैंने संक्षेप में अधिक से अधिक बोलने की कोशिश की। दादर से सागर का अभिप्राय, एक छोटे मटके में सारा समुद्र समाहित हो गया। वस्तुतः ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो गया, मेरा कुछ भी कर सकता है। हमारा व्यक्ति को पतन से बचाने के लिए ये शक्ति आ गई। इसके बाद भगवान विष्णु एक बार पुराएंगे और तब विनाश करेंगे। विनाश तो वैसे चालू हो गया है, बट हमारे देश में चूंकि ये शक्ति आई है तो हम चाहते हैं जल्दी।